नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रूम हीटर की ये जो हीटिंग एलिमेंट वाली रोड होती है इसे रिपेयर करेंगे, और वो भी बिल्कुल 0 रुपए के खर्चे के अंदर। तो मैं एक बार इसे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आपको इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करवा देता हूँ और फिर इसे रिपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कोई भी कंटिन्यूटी है वो नहीं बता रहा। ये जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये बीच में से ओपन है तो इसे हम रिपेयर कर सकते हैं, तो अब इसे करेंगे हम रिपेयर। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने से पहले इसको किसी भी एक साइड से हमें ओपन करना होगा। ये जो दोनों होल्डर लगे हुए हैं साइड में, इनको चाहे हम ये होल्डर निकाल लें या चाहे ये होल्डर निकाल लें, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो इसे निकालना किस प्रकार है, देखिए, कोई भी प्लायर या रेती की मदद से इसे धीरे धीरे इस प्रकार चोट मारते हुए, इसको इस प्रकार चारों ओर से घुमाते हुए इसको बाहर निकाल लेना है। चोट है वो धीरे ही मारनी है, क्योंकि अगर ये कांच की है, अगर ये टूट गई तो फिर ये कोई भी काम नहीं आएगी हमारे। तो धीरे धीरे इस प्रकार इसे चोट मारते हुए इसे एक साइड से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बाहर भी निकल गई है। तो इस प्रकार इसको खोल लेना है एक साइड को। तो ये जो था पहले से इसका टूटा हुआ था, तो इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है उसको एक साइड से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये जो टूटा हुआ एलिमेंट था वो इसका बाहर भी निकल गया है। लेकिन अब ये जो इसके बीच में जो एलिमेंट रह गया है उसको क्या करना है, कोई भी वायर की मदद से इसको, जो एलिमेंट इसके अंदर रह गया है उसको इस वायर से खींच लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में ये वाला जो इसका टूटा हुआ हिस्सा है इसको इसके साथ में इस प्रकार ज्वाइंट कर देना है। देखिए इस प्रकार, ये जो है वो इसको इसके साथ इस प्रकार मिला देना है। इसको अच्छी तरह मिलाकर इसको हाथ से इस प्रकार प्रेस कर देना है, ताकि इनके बीच में फिर से सही जो कनेक्शन है वो बन पाए। तो इसको अच्छी तरह से इस प्रकार प्रेस कर लेना है। देखिए इस प्रकार इसको मिला लेना है, और मिलाने के बाद में इसे वापस से इसके अंदर है वो फिट कर देना है। इस प्रकार धीरे धीरे आराम से फिट करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, इसको मैंने इसके अंदर है वापस से सेट कर दिया है। अब ये जो यहाँ से इसको उखाड़ा था हमने, इसको क्या करना है हमें, किसी सीमेंट की मदद से, जो टाइल वगैरह चिपकाते हैं सफ़ेद जो सीमेंट होती है, उसकी मदद से इसको वापस इसके अंदर है वो चिपका देना है। और तो ये मैं चिपकाने वाला काम बाद में कर लूँगा। तो मैं इसे आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ कि ये रिपेयर हुई है या नहीं हुई। ज़्यादा देर मैं इसे नहीं चलाऊँगा, क्योंकि ये लकड़ी का मेज है और इससे मेज चल भी सकता है। तो मैं थोड़ी सी देर इसी चलाकर दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही जल रही है। मैं हटा लेता हूँ इसे। तो इस प्रकार इसे आप रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो भी नए व्यूवर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी प्रकार की रिपेयरिंग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों धन्यवाद।